नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डबी चल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 69,000 कट ऑफ मुद्दे के फैसले के बारे में, इस बार भी दोस्तों योग्यता की जीत को लेकर 769,000 कट ऑफ मुद्दे के फैसले पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ऑर्डर को देरी के कारण को लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो सारी अपडेट को दोस्तों हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में दोस्तों युवा आंदोलन जिस प्रकार सोशल मीडिया पर जारी है, इसमें दोस्तों लगातार आप सभी जुड़ सकते हैं, चाहे UPSC UPSSC या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, लगातार दोस्तों ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद किए हुए। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों वीडियो को शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों इस मुहिम के साथ में लगातार जोड़ते रहिए। ये दोस्तों मुहिम जो है बेरोजगारों की तरफ से शुरू की गई है। उसी क्रम में दोस्तों अगर बात करूँ 69,000 कट ऑफ मुद्दे के फैसले के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं, अब दोस्तों फैसला जल्द आने की संभावना बन रही है, लेकिन अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि फैसला कब तक आएगा, कब तक आने की संभावना है। जैसा कि पूर्व में आपको जानकारी दी गई है कि आपके जो दूसरे जज है वो नहीं बैठे हैं, तो इस वजह से आपका जो फैसला वो डिले हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसी भी दोस्तों चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिली, लगातार अभ्यर्थी मुझसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि सर ऑर्डर का देरी होने का कारण कहीं 40-45 तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि देरी इस वजह से हो रही क्योंकि 40-45 आने वाला है। देखो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि देरी का जो सबसे बड़ा कारण है वह दोस्तों दो जजों का बैठना। पहली बात दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, एक जज भी उस ऑर्डर को सुना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसके बारे में मैंने कई बार आप सभी को बता दिया कि मोहन सर दोस्तों यहाँ पर उपस्थित ना होने की वजह से ऑर्डर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव लेने होते हैं। पैसे तो ऑर्डर सारा दोस्तों ललित सर लिखवाएंगे, लेकिन हो सकता है दोस्तों वहाँ पर कुछ सुझाव के साथ साथ दोनों जजों के दोस्तों सिग्नेचर भी ऑर्डर के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा हमने देखा भी था, UPTET का ऑर्डर आने वाला था, तो ऐसे में जब जूनियर जज के सिग्नेचर नहीं हुए थे तब तक वो ऑर्डर दोस्तों अपलोड नहीं हुआ था। तो इस चीज़ को लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सोशल मीडिया पर जानकारी दोस्तों आपको जो मिल रही है कि ऑर्डर में देरी होने का कारण 40-45 आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगातार अभ्यर्थी सोशल मीडिया के माध्यम से पूछने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपका दोस्तों पहला सवाल भी यहां पर क्लियर कर दिया है। दूसरा सवाल दोस्तों देखने के लिए मिलता है 69,000 के ऑर्डर के बारे में। काफ़ी अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि ऑर्डर कब आएगा। काफ़ी अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं बातें करते हुए दिखाई देते हैं कि ऑर्डर में देर भले हो जाए, लेकिन जो ऑर्डर 200 डबल बेंच की तरफ से देखने को मिला था वही ऑर्डर आना चाहिए, ऐसी चीज़ें भी देखने के लिए मिल रही हैं। जो देरी को लेकर अभ्यर्थी परेशान, उनको बस इतना ही कहना चाहूँगा, न्यायालय की प्रक्रिया में थोड़ा सा दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ेगा। लगातार दोस्तों समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन उम्मीद है दोस्तों जैसे जैसे हफ्ते निकल रहे हैं उम्मीद है उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जल्द दोस्तों अब आपको जो ऑर्डर है वह भी देखने के लिए मिल जाएगा। सवाल दोस्तों यहां पे एक और देखने के लिए मिलता है जजमेंट के संबंध में कि ऑर्डर किस पर आने वाला है। अभी तक दोस्तों 69,000 की अगर बात करें या फिर 69,000 को हटा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले दोस्तों शिक्षक भर्तियों संबंधित आए, चाहे दोस्तों अगर बात करें आपने त्रिपुरा का केस देखा, वहां पे भी दोस्तों जो तदर शिक्षकों का मामला था है ना, वहां पे हटा दिया। हिमाचल के अंदर देखा, हरियाणा के अंदर देखा आप सभी ने, या फिर दोस्तों अगर बात करें उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में एक तदर शिक्षकों का मामला भी देखा। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को बताएं, विदाउट शिक्षक भर्ती के अगर किसी को चीज़ें देखने के लिए मिली है, जो सरकार की तरफ से दोस्तों यहाँ पे जो मानक लगाए जाएंगे उसी के अनुसार दोस्तों यहाँ पर रखा जाएगा। तो ऐसे में आप लोग मान करके चलिए कि जहाँ पे 260-265 लाखों अभ्यर्थी पास पहले ही हो चुके हैं, तो 40-45 होने की फिलहाल कोई संभावना देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसी वजह से दोस्तों इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के जितने भी फैसले आए हैं वह सभी दोस्तों योग्यता के पक्ष में हैं। और 69,000 के अंदर आप सभी को पहले से बताया डबल बेंच के अंदर ही मामला उठ चुका है और सेम चीज़ें दोस्तों यहाँ से भी आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं। जब 40-45 पे 3 लाख अभ्यर्थी पास हुए हैं, दूसरी तरफ आपको बताएं 60-65 पे 1.5 लाख पहले से पास हो चुके हैं, तो कट ऑफ कम होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग दोस्तों सोशल मीडिया की चीज़ों को लेकर परेशान मत होइए, परेशानी सिर्फ आपकी ये है कि ऑर्डर ले, क्योंकि अभी तक दोस्तों शिक्षक भर्तियों संबंधित बहुत सारे ऑर्डर जारी हुए हैं और उसके अंदर दोस्तों योग्यता को प्रेफरेंस दी गई है। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये इस चीज़ को लेकर तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, लेकिन ऑर्डर दोस्तों कब तक आएगा इसके बारे में थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए, परेशान मत होइए। अभ्यर्थी काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद है दोस्तों जैसे ही यहाँ से ऑर्डर आएगा जल्द आपकी शिक्षक भर्ती भी कंप्लीट होगी और दोस्तों आप लोग भी स्कूलों के अंदर पहुँचेंगे। तो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं कि ऑर्डर में देरी होने की वजह से 40-45 आ रहा है या कुछ आ रहा है, बहुत सारे तथ्यों की वजह से आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई एक लाइन लिख देने से ऐसा नहीं कि ऑर्डर वही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हर एक पॉइंट को दोस्तों यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद में आपको जो जजमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, इस तरीके की चीज़ों को लेकर दोस्तों परेशान मत होइए। उम्मीद करते दोस्तों अगले हफ्ते की जो भी कोजिस्ट जारी होंगी उसके अंदर 69,000 कट ऑफ मुद्दे का जो ऑर्डर है वो आएगा। बाकी रही बात मोहन सर के संबंध में, उनके बारे में कोई भी जानकारी दोस्तों अभी तक तो देखने के लिए नहीं मिली है कि वह कब से बैठने वाले हैं। जैसी कोई जानकारी निकलती है आप सभी को बता दी जाएगी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।